हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। इसका असर अक्सर नकारात्मक होता है। इस समय शुभ कार्यों की मनाही होती है। ऐसे में आपको 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और खास बात यह है कि ये ग्रहण पितृपक्ष के दौरान लगेगा, जो 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह दृश्य पर्व है। जहाँ यह दिखाई देता है वहीं यह दोष कारक होता है। 18 सितंबर 2024 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण विश्व में होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस छाया के कारण चंद्रमा पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है और कभी कभी चंद्रमा लाल रंग का नजर आता है। ये खगोलीय घटना आम तौर पर हर जगह देखी जा सकती है, लेकिन इसका दृश्य साफ मौसम पर भी निर्भर करता है। अठारह सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:12 बजे से प्रारंभ होगा और सुबह 7:44 बजे समाप्त होगा। इस दौरान ग्रहण का चरम समय सुबह 8:14 बजे होगा, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 8:44 बजे समाप्त होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण का समापन सुबह 10:17 बजे होगा। चूंकि चंद्र ग्रहण भारत में सुबह के समय होगा, इसका देश में कोई खास महत्व नहीं रहेगा। भारत में चंद्र ग्रहण का दृश्य न होने के कारण सूतक काल का नियम भी लागू नहीं होगा। भारतीय समय अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:12 से प्रारंभ होकर के लगभग 8:14 को यह ग्रहण समाप्त होगा, लेकिन इस ग्रहण का जो उपछाया ग्रहण रहेगा वह 10:17 पर समाप्त होगा। सूतक काल वो समय होता है जब ग्रहण से 9 पहले का समय होता है और इस दौरान धार्मिक और मांगलिक कार्यों नहीं किए जाते। चूंकि भारत में चंद्र ग्रहण का कोई दृश्य नहीं होगा, सूतक काल के नियम भी भारत में मान्य नहीं होंगे। यह जो चंद्र ग्रहण है भारत में दृश्य नहीं रहेगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का किसी प्रकार का सूतक पातक या नियम यह भारत में मान्य नहीं रहेंगे। अठारह सितंबर को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, उत्तर और दक्षिण, यूरोप और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इसके अलावा एशिया के कुछ हिस्सों में भी इस ग्रहण को देखने का अवसर मिल सकता है। भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। यदि आप उन देशों में हैं जहां ये ग्रहण नजर आएगा, तो बेहतर दृश्य के लिए आप टेलीस्कोप या दूरबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा DSLR कैमरे से भी इस नज़ारे को कैप्चर किया जा सकता है। साधारणतः यह उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, पश्चिमी एशिया में दिखाई देगा और रूस के कुछ क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई देगा।